इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हर सेगमेंट के लैपटॉप्स जो कि स्टार्ट होते हैं 35,000 से लेकर 90,000 तक के बीच में, और इन सभी लैपटॉप्स के अंदर आप अच्छे से कर सकते हो वीडियो एडिटिंग और कंटेंट क्रिएशन। यार ये वीडियो ना इन डेप्थ नहीं होने वाली, यानी कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिर्फ लैपटॉप के नाम और उनके प्राइजेस और कुछ कोर स्पेक्स बताने वाला हूँ, जिससे आप डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए कौन सा लैपटॉप बेस्ट रहेगा इन टर्म्स ऑफ वीडियो एडिटिंग या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग या फिर कॉन्टेंट क्रिएशन के लिए। लेकिन अगर आपको इन डेप्थ वीडियोज देखनी है कि लैपटॉप्स के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिससे वीडियो एडिटिंग और अच्छी हो जाए, तो आप मेरी बाकी की इन वाली वीडियोज को देख सकते हो। इन सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब देखो, किसी भी लैपटॉप को खरीदने से पहले ये जरूर डिसाइड कर लेना कि आपको कौन से सॉफ्टवेयर पर अपनी वीडियोज को एडिट करना है, क्योंकि जो कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं वो सीपीयू डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि हमारा प्रीमियर प्रो, कैप कट या फिर फिल्मोरा, और कुछ सॉफ्टवेयर्स रिलाई करते हैं ग्राफिक कार्ड पे, जैसे कि डेविंची रिजॉल्व, ब्लेंडर, आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह। एनीवेज, स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले लैपटॉप से। तो ये लैपटॉप उनके लिए है जिनका बजट एकदम कम है, ध्यान से सुनना, जिनका बजट एकदम ही कम है और किसी भी कारणवश वो लोग पीसी नहीं बनवा पा रहे हैं। भाई लोग, पहली कोशिश करना कि पीसी बनवा लो, एटलीस्ट बाद में जब आपके पास पैसा आ जाएगा तो अपग्रेड तो कर पाओगे। और अगर नहीं जिद है कि सिर्फ लैपटॉप ही लेना है, तो अंडर 40,000 के बजट के अंदर मैंने यहाँ पे दो लैपटॉप्स रखा है। जो सबसे पहला लैपटॉप है वो आता है लेनोवो की तरफ से, लेनोवो V15, जो कि आता है AMD 5300U के साथ, यानी कि आपको 4 कोर्स मिलने वाले हैं, 8GB रैम मिल जाती है जिसे आप अपग्रेड करके 16GB तक बना सकते हो इन फ्यूचर, और 512GB की SSD आपको इसके अंदर इनबिल्ट मिल जाती है। दूसरा जो लैपटॉप मैंने इस बजट के अंदर रखा है वो आता है ऑनर की तरफ से, ऑनर मैजिकबुक 15, जो कि आता है AMD Ryzen 5 5500U के साथ, और इसमें आपको 8GB की एक रैम स्टिक भी मिल जाती है और 256GB की SSD भी मिल जाती है। हालांकि इस वाले लैपटॉप का और लेनोवो वाले लैपटॉप का दोनों का जो बजट है वो अप्रॉक्स सेम ही मिल जाता है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस वाले को एक बार को स्किप कर सकते हैं और लेनोवो की तरफ बढ़ सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्रांड वैल्यू। सो कीप दैट इन माइंड टू कि कभी कभी पैसे बचाने के चक्कर में ना हम ज़्यादा खर्च कर देते हैं। अब हम अपने बजट को थोड़ा सा इंक्रीज करके पहुंचते हैं 40,000 से 50,000 के आसपास पे। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही लैपटॉप को रिकमेंड किया है, रीजन इज बीइंग कि इस बजट के अंदर इससे अच्छी डील मुझे नहीं लगता मिलेगी आपको। हाँ, ऑनर से अगर कंपेयर करता हूँ तो ऑनर मैजिक बुक जो है उसके स्पेक्स और उसके प्राइस भी अप्रॉक्स सेम ही हैं, बट कीप दैट इन माइंड कि ब्रांड वैल्यू और आफ्टर सेल वैल्यू की भी बात होती है। तो अगर इसके स्पेक्स की बात करूँ तो ये लैपटॉप आता है Ryzen 5 5500U के साथ, यानी कि इसमें 6 कोर्स आपको मिल जाएंगे, 8GB की रैम है जिसे आप एक्सपेंड करके 12GB तक ले जा सकते हैं, और 512GB की SSD इसके अंदर देखने को मिल जाती है। अच्छा, अभी तक जो लैपटॉप्स मैंने आपको बताए उन सभी के अंदर आपको ग्राफिक कार्ड नहीं मिलने वाला था, इसीलिए अगर आपको ग्राफिक ओरिएंटेड प्रोग्राम चलाने हैं जैसे कि DaVinci Resolve या फिर After Effects, तो आपको थोड़ा बहुत अपनी पॉकेट को ढीला करना पड़ेगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि आप PC बनवा लो, ज्यादा फायदे में रहोगे। ओके, तो अब रखते हैं हमारा बजट 55,000 के आसपास का। तो यहाँ पर जो लैपटॉप मैं रिकमेंड आपको कर रहा हूँ वो आता है Lenovo की तरफ से IdeaPad Gaming 3। यह आता है लैपटॉप AMD Ryzen 5 5600H के साथ, और जो H वेरिएंट होता है वो बहुत ही हाई परफॉर्मेंस निकाल कर आपको दे पाता है, और साथ में जो इसके अंदर रैम स्टिक आपको मिलने वाली वो 8GB की रैम स्टिक मिलेगी, और जिसे आप एक्सपेंड करके 16GB तक ले जा सकते हो। साथ में 256GB की SSD आपको मिलने वाली है, उसके साथ में 1TB की हार्ड डिस्क भी आपको इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड मिल जाती है। ओके, तो मैं अब आप लोगों को बताने वाला हूँ 4 क्रेजी से लैपटॉप्स जो कि आपको 55,000 से 80,000 के बीच में मिल जाएंगे, और ना इन सारे लैपटॉप्स को आप अपने बजट के हिसाब से डिसाइड कर लेना कि आपके लिए कौन सा ब्रांड ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है या कौन सा आपके लिए ज़्यादा बेटर है। तो जो लैपटॉप 55,000 से लेकर 60,000 के बीच में आ जाता है वो आता है Acer Aspire 5 Gaming, और ये लैपटॉप आता है Intel i5 12 जनरेशन के साथ, और साथ में आपको देखने को मिल जाता है 16GB रैम विथ 512GB ऑफ SSD। एंड अगर ग्राफिक कार्ड की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है RTX 2050, विच इज़ एब्सोल्युटली वेरी क्रेजी इन दिस बजट। अब जो लैपटॉप है वो है Acer Aspire 7, और इसका प्राइस आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। इसमें भी आपको Intel i5 12 जनरेशन मिल जाता है, और साथ में आपको मिलने वाली 16GB की रैम, 512GB SSD और GTX 1650 ग्राफिक कार्ड। तो इसमें आपको इस बजट के अंदर बहुत अच्छा आउटपुट मिलने वाला है इन टर्म्स ऑफ वीडियो एडिटिंग। और अगर आप इसका अल्टरनेट देख रहे हो तो आई रिकमेंड Asus का Vivo Book Pro 15, जिसके थ्रू आप इजिली आफ्टर इफेक्ट और DaVinci Resolve चलाने वाले हो, और 4K में भी अच्छा खासा आउटपुट देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपका चहेता ब्रांड है डेल, तो यहाँ पर मैंने डेल को भी रखा है, निराश नहीं किया आपको। डेल G15, ये पुराना वर्जन नहीं है, ये नया वर्जन है, थोड़ा सा अपग्रेड किया गया है इसको। इसमें भी आपको देखने को मिल जाता है Ryzen 5 5600H विद 16GB ऑफ रैम एंड 512GB SSD, बट रैम आप अपग्रेड नहीं कर पाओगे इस लैपटॉप में।
एंड ग्राफिक कार्ड आपको इसके अंदर मिलेगा RTX 3050 इस बजट के अंदर। ओके, तो ये लैपटॉप इस बजट का आखिरी लैपटॉप है। इसका नाम है HP Victus और ये आता है Ryzen 7 5800H के साथ, और साथ में आपको इस लैपटॉप के अंदर देखने को मिल जाती है 8GB की रैम, जिसे आप अपग्रेड करके 16GB तक बना सकते हो, और 512GB की आपको इसके अंदर भी SSD देखने को मिल जाती है। साथ में जो ग्राफिक कार्ड है वो भी आपको देखने को मिल जाता है RTX 3050। इसका एक और वर्जन आता है इंटेल 12 जनरेशन के साथ, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। अब अगर आपका बजट है 85,000 टू 90,000 तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा Asus का VivoBook Pro 16। इस वाले लैपटॉप के अंदर आपको मिल जाता है i9 11 जनरेशन के साथ, यानी कि 8 कोर्स मिल जाते हैं, 16GB का रैम इसमें मिल जाता है, 512GB की SSD मिल जाती है, और 4GB का NVIDIA RTX 3050 भी आपको ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाता है। देखो, मैंने ना आप लोगों को एक मोटा मोटा आइडिया दे दिया है कि आपको कौन से लैपटॉप्स लेने हैं अपने बजट के अकॉर्डिंगली। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है इन लैपटॉप्स के स्पेसिफिकेशन शीट पर, जो कि आपको अमेजन पे या फिर फ्लिपकार्ट पे मिल जाते हैं देखने को, एंड वहां से आपको सिमिलर स्पेक्स वाले लैपटॉप को करना है फाइंड आउट, ताकि इन केस अगर आपका ये वाला जो मैंने लैपटॉप बताया है ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, या फिर आपको किसी और ब्रांड के लैपटॉप को खरीदने का मन करता है, तो आपको किसी भी तरीके की परेशानी ना आए। और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे Instagram ID पर DM करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर, जय श्री कृष्ण।